इस्लामी पर्सनल लॉ की कोठरी का कोई एक कोना भी, खिड़की भी कभी नहीं खोली गई समय के साथ बदलाव के लिए। अभी फलाही साहब कह रहे थे कि कहां बदलाव चाहते हो, हिंदुओं में जब हिंदू पैनल को हिंदू बिल लाए जवाहरलाल जी के समय आया, उस समय तक हिंदुओं में बहुपत्नी प्रथा थी, संपत्ति के उत्तराधिकार में स्त्री पक्ष की कोई भूमिका नहीं थी, बहुत सारे मसले थे। समय के साथ, सभ्यता के साथ, समाज के विकास के साथ लगा कि ये चीजें गलत हैं, ये पीछे ले जाने वाली चीजें हैं, तो बदलाव हुए ना अब्बास साहब। देखिए ऐसा है कि आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बता दूं, इस्लाम जो मजहब है इसमें दो चीजें, एक अल्लाह की किताब कुरान है, दूसरे हजरत मोहम्मद साहब की हदीसें हैं। इन दोनों में बदलाव वहां किया जाता है जहां कुछ नक्स होता है, कुछ खराबी होती है। हमारे के आप सुनिए एक मिनट, हमारे के यहाँ मुसलमानों को बताया मुल्क से तुम्हें मोहब्बत करना है, मुल्क के लिए भी हुक्म पहले से मौजूद। हमारे के यहाँ पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कुछ नहीं, उसके लिए पहले से कानून मौजूद। हमारे के यहाँ कमजोर, उसके साथ क्या सलूक करना है, पहले से कानून मौजूद। हमारे के यहाँ बीमार के साथ तुम्हें क्या सलूक करना है, पहले से मौजूद। हमारे के यहाँ मुर्दा अगर कोई अर्थी जा रही है तुम्हें क्या करना है, पहले से कानून मौजूद। हमारे क्या यतीम के साथ कैसे सुलूक करना है, कानून इस्लाम में टोटल कानून आपको बिल्कुल अपने से रिलेटेड, गैरों से रिलेटेड। एक सेकेंड।